वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिल सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल हसद के नए आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जरीन का अंजाम वही होता है जो उसने खुद अपने हाथों ही बनाया हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जरीन हमेशा से ही नैन तारा को नापसंद करती थी, लेकिन अब तो फरहान ने नैन तारा से शादी कर ली। अब तो उसने नैन तारा की जिंदगी को आबाद कर लिया है, तो जरीन पहले ही नैन तारा को कुछ नहीं देख सकती थी। अब अपने शोहर के साथ कैसे बर्दाश्त करेगी? और ये सब सारा इल्ज़ाम वो डाल देती हैं अपनी सास पर और कहती हैं कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी गैर मौजूदगी में आपने नैन तारा का निकाह कर दिया मेरे ही शोहर से। लेकिन दोस्तों, हम सब ही जानते हैं कि जरीन ने अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसने हसद में आकर नैन तारा की ज़िंदगी बर्बाद करने, उसका तमाशा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब खुद उसकी ही ज़िंदगी तमाशा बनकर रह गई है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या नैन तारा अब हमेशा के लिए खुश रहेगी या फिर जरीन हमेशा के लिए चुप हो जाएगी? क्या जरीन ऐसी कोई चाल नहीं चलेगी जिससे नैन तारा बेसुकून हो, घर का माहौल बेसुकून हो? आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा। लाइक करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।